तो यूपीएससी ने इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था, दैट इज टूल यूज्ड बाय ओरंगुटेन और व्हाट वी कैन से इंटेलिजेंस शोन बाय नॉन ह्यूमन स्पीशीज। तो इस ट्रेंड में हमारे पास एक टॉपिक है कॉल्ड एज स्पॉन्जिंग। तो स्पॉन्जिंग एक टूल मेकिंग और इंटेलिजेंट बिहेवियर है शोन बाय डॉल्फिन्स, पर्टिकुलरली बॉटलनोज डॉल्फिन्स अराउंड शार्क बे एरिया इन ऑस्ट्रेलिया। तो डॉल्फिन ये सी फ्लोर में फूड सर्च करती है। ड्यूरिंग दिस सी फ्लोर के रफनेस की वजह से डॉल्फिन्स का जो बीक या रोस्ट्रम है ये इंजर्ड हो सकता है। ऐसे केस में डॉल्फिन सी स्पॉन्जेस को अपने बीक पे अटैच करती है, जिसकी वजह से रफ सी फ्लोर में विदाउट गेटिंग हर्ट आसानी से फूड सर्च किया जा सकता है। डॉल्फिन के इस बिहेवियर को स्पॉन्जिंग कहा जाता है। डॉल्फिन इस तरीके से टूल मेकिंग और टूल यूजिंग शो करते हैं, जो एक रेयर इंटेलिजेंट बिहेवियर है शोन बाय नॉन ह्यूमन स्पीशीज, पर्टिकुलरली मरीन मैमल्स। ऑस्ट्रेलिया के शार्क बे के एरिया में एबंडेंट स्पॉन्जेस है और सी फ्लोर जो है ये रफ है। डॉल्फिन का पॉपुलेशन भी यहाँ पे ज़्यादा है, तो ऐसे जगह पे डॉल्फिन ने ये एबिलिटी डेवलप किया है। इसी के साथ ये बिहेवियर जनरेशन टू जनरेशन और पर्टिकुलरली मदर डॉल्फिन टू डॉटर को ट्रांसफर होता है। तो ओवरऑल स्पॉन्जिंग एक रेयर फिनोमिनन है जिसमें नॉन ह्यूमन स्पीशीज में नॉलेज का ट्रांसफर देखा जा सकता है। तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक ऑफ स्पॉन्जिंग, इंटेलिजेंट बिहेवियर शोन बाय डॉल्फिन और कॉग्निटिव बिहेवियर बाय डॉल्फिन। तो ऐसा टूल मेकिंग या फिर जो बिहेवियर है या फिर इस तरीके का जो ट्रेंड है यूपीएससी में, इसी लाइन में हम वीडियोस बना रहे हैं। तो ऐसे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।